वज़न क्यों नहीं बढ़ता। कुछ लोग का वज़न बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं, वो दिखने में भी बहुत बुरे लगते हैं, हालांकि उनमें क्या क्या कमियां होती हैं, किन वजहों से वज़न हमारा नहीं बढ़ता, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और ये वीडियो आप देखते रहिएगा। और आपको ये भी हम बताएंगे कुछ, जैसे कि आप ऐड देखते होंगे, महीने में आप 10 किलो वज़न बढ़ाएं, 5 किलो वज़न बढ़ाएं, 20-20 किलो वज़न बढ़ाने का भी कंपनियां और कुछ लोग दावा करते हैं, जो कि 100% महाझूठ है, जिसका कोई सच से कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं कि हमारा मोटापा क्यों नहीं बढ़ता, हमारा वज़न क्यों नहीं बढ़ता, किन वजहों से हमारा वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट हैं, कारण पहले हम बात कर लेते हैं। क्यों तो होती है कि हमारी, अगर हम नॉर्मल अगर देखें तो पहली कॉज आती है वो ठीक से हम खाना पीना ना खाएं, और डेली लाइफ स्टाइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना, पैकेट्स की चीज़ें खाना, इन पर निर्भर करता है। पुअर डाइट हो एक वजह, दूसरी वजह बनती है कि हो सकता है कि थायराइड, हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन में कुछ डिस्टर्बिंग हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी हमारा वज़न नहीं बढ़ता है। तीसरी वजह होता है या तो शुगर हो, या शुगर आपके बॉडी में हो रहा हो, या टाइप 1 और लेडी जो कि जेंटिक ज़्यादातर होता है वो भी हो सकता है, एक वजह ये भी हो सकता है। और वजह होता है कि कोई संक्रमित बीमारियां कहीं आपको नहीं है, जैसे HIV, या हो सकता है आपको कैंसर आपके बॉडी में कहीं ग्रोथ कर रहा हो, उस कंडीशन में भी वज़न नहीं बढ़ता हो। हो सकता है कि आपका लीवर बीमार हो, मेटाबॉलिक चीज़ें आपके बॉडी में ठीक से नहीं प्रॉपर हो पा रही हो, उस कंडीशन में भी हमारा वज़न नहीं बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ अगर हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हैं, एक औसत आपकी लाइफ स्टाइल है, उस समय आपका वज़न नहीं बढ़ता है, कोई बात नहीं, उस समय मैं आपको भी टॉनिक बताऊंगा और कुछ डाइट बताऊंगा, आप उसको फॉलो करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। अगर आपके वज़न में प्रॉब्लम आ रही तो उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने पॉइंट्स बताए अभी, जो कॉज मैंने अभी आपको बताए, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप कितना भी खा पी लो, आप अक्सर सुनते होंगे, लोग कहते होंगे मैं खाता बहुत हूँ लेकिन मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, अक्सर सुनते होंगे, कई हैं कि उन खाते बहुत हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है। और कुछ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके आंतों में इन्फेक्शन होता है, आप अक्सर छोटे बच्चों में देखते होंगे कि वो खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लैट्रिन होने लगती है, या कुछ भी खाते हैं तो वो ठीक से पच नहीं पाता है, डाइजेशन नहीं प्रॉपर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी हमारा वज़न नहीं बढ़ पाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको पहला जो टेस्ट कराया जाता है LFT का कराया जाता है, अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें सारी चीज़ें ठीक मिलती है तो चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर लीवर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेटाबॉलिक क्रिया हमारे बॉडी में ठीक से नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको अगर कोई साथ में और बीमारी हो रही है या हो गई है तो उस कंडीशन में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं हम किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं होते जा रहे हैं, और ऐड से दूर रहें। आप इतने झूठ ऐड देखते हैं, उन ऐडों से थोड़ा दूरी बना के रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है कर लेते हैं, तो आपसे डाइट रिक्वेस्ट फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आप किसी ऐड पे ना जाएं, तो आपके पास वजन नहीं बढ़ जो फिजिशियन हो, जो डॉक्टर हो, उससे आप संपर्क एक बार आपको जरूर करें, दिन में दो बार बाद ही कोई दवा का यूज करें, किसी बताए के अनुसार नहीं कि अब कोई आपको बता दिया ये दवा खा लीजिए वजन बढ़ जाएगा, कभी भी ऐसे दवाओं से बहुत दूर रहना चाहिए। खाना पीना, ये दवाएं आपकी किडनी को प्रभावित करती हैं, आपके लीवर को प्रभावित करती हैं और कई चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खा लेना है, नहीं, आप औसत क्या हमारे डेली रूटीन में चेंज लाना चाहिए, क्या हमारे खाने पीने में एक बदलाव लाना चाहिए जिससे हमारी एक अच्छी खासी रोज कर सकते हैं, हेल्थ हो सके। अब हम बात करेंगे कि और अगर आपको और जल्दी वजन बढ़ाना है तो आप उस कंडीशन में दही में एक दो आलू ऐड करके उसका रायता बना के आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, और उसके बाद में आप बराबर सेक, जैसे खजूर सेक हो गया और बनाना सेक हो गया, या फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और मौसमी फल खाना चाहिए, खूब खाना चाहिए मौसमी फल का और मौसमी सब्जियों का हमें खूब जो है सेवन करना चाहिए। और उसके बाद हमको जो है, आप अगर दालें अगर बात करें तो दालें हमको पूरी खानी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दाल आप रोज़ खाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं,
आप हर तरीके की डाइट को बराबर मेंटेन करते रहिए, खाते रहिए, और अगर आपका पुअर डाइट रहेगा तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में आप कितनी कैलोरी ले रहे हो अपने खाने में, उस पर भी बहुत बहुत निर्भर करता है। एक पुरुष को और एक महिला को जो 1500 से लेके 20 मतलब 1500 कैलोरी से लेके 2000 कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता एवरी डे पड़ती है 24 घंटे में, और वही फीमेल में औसतन 1200 से लेके 1500 कैलोरी तक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इतना ध्यान रहे कि हम उसको बराबर मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं निकल रहा है, तो उस पर भी हमें खूब अच्छे से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अपने लीवर पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं आपका लीवर तो नहीं बीमार है। उसके लिए बराबर आप डॉक्टर से या कोई ऐसा सिरप ज़रूर ऐड करना चाहिए कि आप उसको ले सकते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि जो कुछ सप्लीमेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो सप्लीमेंट अगर हम बात करें तो जो सबसे सेफ और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सप्लीमेंट आता है वो होम्योपैथ में आपके अवेलेबल है, अल्फा अल्फा मार्ट। आपको कौन सा अल्फा अल्फा मार्ट लेना है मैं स्क्रीन पे आपको लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये लगभग नियर अबाउट 200 से 300 के बीच में मिल जाएगा, जो कि आपका 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा। वरना डाइट के नाम पे हमारे पास अक्सर ऐसे कॉल आए, ऐसे मरीज भी आते हैं कि डाइट के नाम पे उनसे अच्छा खासा पैसा भी लिया जाता है, उनका वजन 2-4 किलो बढ़ता है, जैसे ही वो छोड़ते हैं वो डाइट प्लान फिर से वो जैसे थे वैसे फिर हो जाते हैं। तो आप प्रॉपर अपने तरीके से डाइट को मेंटेन रखिए, आपका वजन एक बार जब बढ़ जाएगा फिर आपका वज़न कम नहीं हो जाएगा। ध्यान रहे आवश्यकता से ज़्यादा वज़न आपको नहीं बढ़ाना है। और जो वज़न का एक कैसे पता करें, जो वज़न का रेशियो होता है वो हमारे शरीर के हाइट यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, उसके अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। तो उसको बराबर आप उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, आप एकदम आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अल्फा अल्फा मार्ट के साथ और अच्छा रिजल्ट के लिए आप जो है जोंडीना या लीफ टी सिरप का भी यूज कर सकते हैं। और इनका कैसे सेवन करना है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका सेवन आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। अगर आप लीफ टी या जोंडीला या ली 52, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सुविधा के लिए और आपके जानकारी के लिए ये चीज़ें आप तक पहुंचाने की बहुत ही सरल भाषा में और कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो अल्फा अल्फा मार्ट का आपका सेवन 2 बार मीडियम साइज जो चम्मच होते हैं उससे आप दिन में 2 से 3 बार दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध में मिला के भी ले सकते हैं, या फिर आप वैसे भी खा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको जोंडीला यानी जो लीवर का मैंने सिरप बताया, जोंडीला लीफ टी या ली 52, तो इस कंडीशन में आप भी इसके मीडियम साइज के चम्मच से या उसमें भी एक कैप रहता है उस कैप से आप 5 ml सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सेवन कर सकते हैं, या इसको खाने से पहले लेना है। अल्फा अल्फा मार्ट को खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद आपको लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। फिर अब हम बात करते हैं कि और कुछ अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो अल्फा अल्फा क्यों, यानी कि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर आता है, आप उसके साथ अश्वगंधा का मदर टिंचर या अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा वज़न आपको बढ़ाने में बहुत मदद मिलता है। इसी के साथ जो है अगर आपका वज़न नहीं बढ़ता है, किसी कंडीशन में आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं या लखनऊ के आसपास हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट ज़रूर करें। नहीं तो अगर आपको जानकारी चाहिए इस संबंधित तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भ्रमित ना रहें, सही जानकारी अपने पास रखें और लोगों के पास भी पहुंचाएं। इसी के साथ नमस्कार।